ऑर्डर सिस्टम, टॉपिक विल बी हायर ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे गेट में काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बच्चे इसे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, है बहुत इजी टॉपिक, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे कैस्केडिंग किया जाता है, आफ्टर कैस्केडिंग क्या इफेक्ट होता है और कैस्केडिंग का क्या रोल है तुम्हारे ट्रांसफर फंक्शन में। तो देखो यहाँ पे हम कैस्केड कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के साथ ही। तो यहाँ एग्जाम्पल लिए, ये पहला है 100/s+2, दूसरा एग्जाम्पल हम लिए 1/s+5। अभी हम इंडिविजुअली दोनों को ऑपरेट करेंगे, हम लोग को आता है कैसे इसका ट्रांसफर फंक्शन निकाला जाता है, ठीक है। तो C1s/5 R1s क्या हो जाएगा बच्चों, 100/s+2। यहाँ पे हम इनपुट लिए हैं इंपल्स फंक्शन, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा बच्चों, 1, ठीक है। तो ये C1s will be equal to what, 100/s+2। तो इसका तो हम निकाल दो इनवर्स लाप्लास, तो C1 जो हम निकालेंगे तो क्या आएगा, C1t will become 100 × e^(-1). C1t will become 100 e^(-2t) because क्या shifting है तुम्हारे frequency domain में। जब इसको तुम plot करोगे बच्चों, तो this is exponentially decreasing term, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, this is तुम्हारा graph of C1t। अगर इसके pole को तुम plot करोगे तो पोल कैसा आएगा, जब हम इसके पोल को प्लॉट करेंगे तो पोल विल बी समवॉट लाइक दिस, -2 पे तुम्हारा पोल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का पहला वाला जो हम ऑपरेट किए। अब हम इंडिविजुअली इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C2s/R2s विल बी 1/s+5। यहाँ भी इंपल्स फंक्शन हम ले रहे हैं, 1/s = 1, तो C2s कितना आ जाएगा 1/s+5, ठीक है। तो C2t कितना आ जाएगा बच्चों, C2t will become e^(-5). इसके पोल को तुम ऑपरेट करो तो पोल कहाँ तुम्हारा होगा, s+5 है तो पोल विल बी माइनस, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली हम 100/s+2 और 1/s+5 को ऑपरेट कर दिए, ठीक है। अगर तुम इसका आउटपुट भी निकालो तो आउटपुट विल बी लाइक दिस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम क्या करिए, इन दोनों को कैस्केड कर दिए, ठीक है, इन दोनों फंक्शन को कैस्केड कर दिए। ध्यान से देखना, दोनों फंक्शन को कैस्केड कर, ठीक है, 1/s+5। दिस इज cs, दिस इज rs, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cs/rs, 100/s+2s+5। तो जब हम दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को एक साथ कैस्केड किए, सिस्टम विल बिकम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ये कैसा बन गया, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एक इनवर्स इनपुट लिए तो 1 हो गया तुम्हारा, तो CS = 100 / इसको ऑपरेट करो, s² + 7s + 10, 100/s² + 7s + 10, इसको तुम इक्वेट कर दो, दिस इज व्हाट, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। What is the characteristics equation of second order system बच्चों? So 1+GS HS = 0. s² + 2zeta (ωns) + (ωn²) = 0. तो ये है तुम्हारे पास ये characteristics equation, इसको इससे compare करो, तो s² + 7s + 10 = 0. तो यहाँ से ωn² = 10, तो ωn √10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √10 बच्चों, तो ऑपरेट करो, हम कैलकुलेट करो, निकल जाएगा, ठीक है, 2
जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 7 एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा एन जीटा विल बी इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू अंडर रूट 10. इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर से इट कम्स आउट टू बी जीटा कम्स आउट टू बी 1.06. तो जब हम दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कैस्केड किए सिस्टम विल बिकम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी किस टाइप का सिस्टम बच्चों दिस इज ग्रेटर देन 1. तो जीटा ग्रेटर देन 1 किसका होता है दिस इज अ ओवर डैम्प्ड सिस्टम. यहां हम जीटा अलग से कैलकुलेट करके सॉल्व किए तो पता चला ओवर डैम्प सिस्टम है. तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो यहाँ पे क्या लोकेशन ऑफ पोल देखो तो वेयर व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पोल. लोकेशन ऑफ पोल जो हम देखेंगे तो दिस इज तुम्हारा -2 एंड दिस इज तुम्हारा -5. द लोकेशन ऑफ पोल इज रियल बट एट डिफरेंट लोकेशन. तो ऐसा किसमें होता है कि लोकेशन ऑफ पोल रियल भी हो और डिफरेंट लोकेशन पे भी हो तो इट विल ओनली एग्जिस्ट इन ओवर डैम्ड सिस्टम. तो ये जब तुम दो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को कैस्केड किए तो ये तुम्हारा बन गया ओवर डैम्ड सिस्टम. ठीक है तो अब हम लोग देखेंगे इस टाइप के सिस्टम में इनपुट अप्लाई कर दिए. अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या होता है डोमिनेंट पोल. क्यों इस पोल को ही डोमिनेंट पोल बोलते हैं. द पोल विच इज नियर टू जी ओमेगा एक्सिस इज नोन एज डोमिनेंट पोल. क्यों ध्यान से देखिए. ठीक है अब एक काम करते हैं हाँ यहाँ रह लेते हैं इसको द पोल विच इज नियर टू जी ओमेगा एक्सिस इज नोन एज डोमिनेंट पोल. राइट चलो ये हमारे पास सिस्टम है दिस इज द सिस्टम. यहाँ पे हम अभी इनपुट दिए हैं 1. तो सी एस क्या आ गया बच्चों 100/(s+2)(s+5). ठीक है अब इसका हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे. तो जब हम टाइम डोमेन एनालिसिस करते हैं तो इसका एक आउटपुट हम लोग को निकालना है. तो चलो आउटपुट निकाल लेते हैं. तो आउटपुट क्या होगा बच्चों सी एस इक्वल टू a0 by s+2 क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन प्लस a0 by s+5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a0. अब तुम लोग प्रो हो गए होगे ये सॉल्व करने में. तो a1 हम कैसे निकालेंगे a0 जो भी तुम्हारे डिनोमिनेटर में उसको हम ट्रांसफर फंक्शन से रिमूव कर देंगे. तो फंक्शन विल बी 100/(s+5) एंड पुट s = -2. तुम जब s = -2 पुट करोगे तो इक्वेशन विल बिकम 100/3. Now e1. तो क्या होगा 100/(s+2) and put s = -. Equation will become 100/-3. ठीक है तो हमारा सी एस आ जाएगा बच्चों सी एस विल बी इक्वल टू 100/(3)(s+2) -100/(3)(s+5). अब क्या करोगे इसका इनवर्स लैपलेस निकालोगे तो सीटी बिकम 100/(3)(3) e^(-2t). यहाँ क्या होगा -100/(3)(-5t) -100/(3)(-5t). दिस इज तुम्हारा आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ दिस सिस्टम. ठीक है तो अब क्या करो यहाँ पे t = 1 कर दो. पुट t = 1 तो तुम कुछ भी पुट कर सकते हो 1 ले. ठीक है तो इक्वेशन क्या आएगा 100/(3) e^(-2) -100/(3) e^(-5). e^(-2) सॉल्व करो बच्चों जब तुम इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम 4.51 और जब तुम e^(-5) को सॉल्व करोगे देन इट विल बिकम 0.2. अब तुम ही देखो कि इन दोनों वैल्यू में से आउटपुट जो तुम्हारा है वो किसके ऊपर टोटली डिपेंड.
डिपेंड कर रहा है, जो आउटपुट है सिस्टम का वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज में से, इन दोनों पोल, ये दोनों वैल्यू किसकी वजह से आ रहा है, दो पोल की वजह से, ये किस पोल की वजह से, एस प्लस टू वाला पोल की वजह से एंड दिस इज द पोल फाइव की वजह से, ठीक है। तो ये दोनों आउटपुट का वैल्यू विल बी 4.51 एंड 0.22। तो ये जो तुम्हारा वैल्यू आया, तो इस वैल्यू में से कौन तुम्हारा ज्यादा इंपैक्ट दे रहा है आउटपुट पे, ऑब्वियसली दिस वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू की वजह से तुम्हारा आउटपुट ज्यादा इंपैक्ट दे रहा है, क्योंकि 4.51 माइनस 0.22 करो कैलकुलेटर से कितना है, 4.29, ठीक है। मतलब ये पोल जो है वो तुम्हारा ज्यादा आउटपुट में डोमिनेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डोमिनेंट पोल, ठीक है। ये यही रीजन है कि जो पोल, लोकेशन ऑफ पोल विच इज नियर टू द जे ओमेगा एक्सिस, वो होता है डोमिनेंट पोल, और जो पोल तुम्हारे जे ओमेगा एक्सिस से फार अवे होते जाएगा, उसका इंपैक्ट आउटपुट पे धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, ये ध्यान रखना। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट पोल, ठीक है। तो यही डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट अभी हम यूज करेंगे, डोमिनेशन कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वही देखेंगे अभी। क्लियर है बच्चों, तो इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं। जिस पोल का इफेक्ट ज्यादा होगा आउटपुट में, दैट इज डोमिनेंट पोल, ठीक है। तो अब हम डोमिनेशन कॉन्सेप्ट देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इस डोमिनेशन को कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जैक्ट एनालिसिस से समझेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, सबसे पहले लेंगे एग्जैक्ट एनालिसिस। इसका तो इनवर्स लैपलेस निकालो,
ये आ गया 10 into the power -2b -10 into the power -12. दिस इज द आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ दिस फंक्शन. अब क्या कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट एनालिसिस निकाल रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट जो तुम्हारा आउटपुट होगा वो वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद हम यूज करेंगे डोमिनेशन कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट क्यों यूज किया जाता है ये तुम अभी देखोगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से क्या होता है तुमको इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए. अगर तुमको ट्रांसफर फंक्शन या आउटपुट रिस्पॉन्स तुमको कैलकुलेट करने बोले तो तुमको इतना लेंथी इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ेगा. डोमिनेशन कॉन्सेप्ट से बहुत ही इजिली तुम आउटपुट रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, फिलहाल तो हम एग्जैक्ट एनालिसिस देख लें. तो CP=1 पुट करो, देखिए 10 into the power -2 -10 into the power -12. इसको सॉल्व करो बच्चों, जब तुम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 1.3. दिस इज तुम्हारा एग्जैक्ट एनालिसिस, दिस इज तुम्हारा एग्जैक्ट एनालिसिस. ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसी का एप्रोक्सीमेट एनालिसिस देखते हैं. तो कैसे निकाला जाए, देखो अगर इसी सिस्टम का हमारा हमको लोकेशन ऑफ पोल ड्रॉ करना है तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पोल, -2 और -12. दिस इज द लोकेशन ऑफ पोल ऑफ दिस सिस्टम. तो इसका CS/RS will be equal to 100/S+2. इसका हम निकाल दिए लोकेशन ऑफ पोल, हम जानते हैं दिस इज हमारा डोमिनेंट पोल. अभी हम देखे थे क्यों डोमिनेंट होता है, विच इज नियर टू द जे ओमेगा एक्सिस इज नोन एज डोमिनेंट पोल. और जैसे जैसे ये ओमेगा एक्सिस से दूर जाते जाएगा इसका इफेक्ट ऑन द आउटपुट कम होते जाएगा. तो अब देखो जब हम डोमिनेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो व्हाट इज डोमिनेशन कॉन्सेप्ट बच्चों, तो दिस इज हमारा P1 एंड दिस इज हमारा P2. तो अकॉर्डिंग टू डोमिनेशन कॉन्सेप्ट इफ, ध्यान से समझना, इफ P2 by P1 इज ग्रेटर देन 6, इफ P2 by P1 इज ग्रेटर देन 6, तो तुम्हारा जो वैल्यू है P2 by P1 is greater than 5, अगर इसका वैल्यू 5 से ज्यादा आता है तो वी कैन नेगलेक्ट द हायर ऑर्डर, जो तुम्हारा ये वाला वैल्यू है हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं इन तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, जब भी तुम्हारे P2 by P1 का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 5 आता है तो वी कैन नेगलेक्ट द हायर पोल पार्ट. क्लियर हुआ, तो यहाँ देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज P2 दिस इज P1, तो हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12/2 तो क्या आ गया 6 विच इज ग्रेटर देन 5. तो यानी P2 by P1 का वैल्यू तुम्हारा 5 से ज्यादा है, 6 है. ठीक है, तो वी कैन नेगलेक्ट द हायर पोल पार्ट. ठीक है, हम हायर पोल पार्ट को नेगलेक्ट कर सकते हैं और हम उससे आउटपुट रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं. तो देखो क्या आ गया CS/RS. हायर पोल पार्ट को नेगलेक्ट कर देना मतलब ये नहीं कि ये पूरे पोल को जीरो कर देना, ध्यान समझो हायर पोल पार्ट को नेगलेक्ट कर देने का मतलब ये नहीं है कि हम इस पूरे वैल्यू को जीरो कर दे, नहीं, पुट S=0 इन द हायर पोल पार्ट. ठीक है, यही गलती करते हैं बच्चे डेढ़ के क्वेश्चन में कि वो पूरा का पूरा नेगलेक्ट करते, नहीं गलत हो जाएगा, तुमको हायर पोल पार्ट नेगलेक्ट करना है, मतलब पुट S=0 इन द हायर पोल पार्ट ओनली. तो इक्वेशन में बिकम 100/S+2 × 12, हम इसमें 0 पुट कर दी तो ये इक्वेशन आ गया हमारा. तो इसको सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट एनालिसिस से हमारा कितना आया था बच्चों 1.35 आउटपुट एग्जैक्ट. ठीक है, अभी भी यहाँ पे हम इनपुट क्या लिखे डेल्टा टी, तो आर एस क्या हो जाएगा 1.
So Cs will be equal to 100 by 12 s plus 2. So Ct will become 100 by 12 e to the power minus 2b. Put t equal to 1, 100 by 12 into e to the power minus 2. So calculator se solve karo, it will comes out to be approximately 1.127. So dekho, this is exact analysis or this is approximate analysis from domination concept. तो अगर अगर हम लोग अगर चाह रहा है सिस्टम कि वो 20% तक के एरर को बियर कर सकता है, if the system will can bear 20% of the error, then we can go from the domination concept. देखो 1.35 और 1.127 में तुम्हारा 20% का एरर है. The error is approximately 20%. जब सिस्टम तैयार है 20% के एरर को बियर करने के लिए, तो हम इस डोमिनेशन कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं. अदरवाइज हमको एग्जैक्ट एनालिसिस आता ही है, ठीक है, लेकिन डोमिनेशन कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत ही जल्दी आउटपुट निकाल सकते हैं और एरर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20% का एरर है तुम्हारे पास. तो दिस इज तुम्हारा डोमिनेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है. चलो एक और न्यूमेरिकल करते हैं इस डोमिनेशन कॉन्सेप्ट. तो हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं सीएस बाई आर एस, इसका भी आउटपुट निकालना हमको, दैट इज इक्वल टू 288 एस प्लस 2 एस प्लस 5 S plus 12 and S plus 20. ये है हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन, इसका आउटपुट निकालना है तुमको डोमिनेशन कॉन्सेप्ट से, ठीक है. एग्जैक्ट एनालिसिस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है. पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, देन a नॉट a टू वन a टू a थ्री निकाल लो एंड देन सॉल्व इट. अभी फिलहाल हम डोमिनेशन कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं. तो बच्चों हम सबसे पहले लोकेशन ऑफ पोल ड्रॉ कर देते हैं. ये हो गया माइनस 2, दिस इज माइनस 5, दिस इज माइनस 12 एंड दिस इज माइनस 24. दिस इज P1, P2, P3 एंड P4. ये कौन सा पोल है बच्चों? दिस इज डोमिनेंट पोल, ठीक है. दिस इज डोमिनेंट पोल. क्या चेक करना है डोमिनेशन कॉन्सेप्ट में? इफ P2 बाई P1 इज ग्रेटर देन 5, then we can neglect the higher pole part, means we can put s equal to 0 in higher pole part, ठीक है. तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं P4 by P1, ठीक है. तो 24 by 2, this will be 12, greater than 5, means हम इसको neglect कर देंगे, ठीक है. then P3 by P1 निकालते हैं. क्या है P3? 12 by 2, that will be equal to 6, which is also greater than 5, तो हम इसको भी neglect कर सकते हैं transfer function से. Let's put P2 by P1, तो P2 कितना? 5 by 2, ये कितना आ जाएगा? 2.5, ये तुम्हारा 5 से ज्यादा नहीं है, तो इसको हम neglect नहीं कर सकते हैं transfer function से. Means we can neglect this two terms from the transfer function. We can put the s equal to 0 in this whole part. Okay? Then transfer function will become Cs by Rs will become 288 divided by s plus 2 s plus 5. और ये दोनों पोल पार्ट हम लोग को नेग्लेक्ट करना है, देन पुट s इक्वल टू 0 इन दिस टू पोल पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 12 और ये हो जाएगा 24. दिस इज 12 एंड दिस इज 24. तो 12 इनटू 24 करो, 28 आ जाएगा. cs will become 1 by s plus 2 s plus 5. सी देखो, तुम्हारे ट्रांसफर फंक्शन तुरंत किसमें रिजॉल्व हो गया, एक स्मॉल पार्ट में. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ डोमिनेशन कॉन्सेप्ट. अब इसको तुम सॉल्व कर लो. आर एस अभी हम इक्वल सी ही है, तो ये 1 हो जाएगा. देन सी एस विल बिकम 1 बाई
ए नॉट बाई एच प्लस टू प्लस ए वन बाई एच प्लस फाइव. वॉट इज द वैल्यू ऑफ ए नॉट बच्चों? तो ए नॉट के लिए वन बाई एच प्लस फाइव रूट एस इक्वल टू माइनस टू इन विच द वन बाई थ्री. देन then a1 will be equal to 1 by s plus 2 put s equal to minus 5 to the minus 1 by 3. So cs ka value aa gaya bachcho 1 by 3 s plus 2 minus 1 by 3 s plus 5. So cp aa gaya tumhara 1 by 3 e to the power minus 2 3 minus 1 by 3 e to the power minus. This is तुम्हारा benefit of domination concept. I hope तुम लोगों को ये clear होगा. ये question gate में आता है बच्चों. This is important. तो तुमको बस यही याद रखना है कि higher pole part by तुम्हारा domination वाला pole को अगर value तुम्हारा 5 से ज्यादा आता है तो we can neglect the higher pole part from the system. ठीक है? ये important है domination concept. I hope तुम लोगों को clear हुआ होगा. कोई doubt है या फिर कोई तुम improvement चाहते हो तो you can कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन. ओके बच्चों, आज के लिए इतना रखते हैं. चलो, थैंक यू.